दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म। ये वेबसाइट काफ़ी फेमस हो चुका था, हर बंदा उसके बारे में पूछ रहा है। और भाई सचमुच ये वेबसाइट काम करता है काम नहीं करता है, तो आप लोगों को बताएंगे ये वेबसाइट आज रियल है क्या फेक है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो वेबसाइट है वो फेक है ए क्या फेक नहीं है, तो ये लीगली काम करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे ये आप लोग। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को बढ़ाने का ना चाहते हम, बस छोटा से आप लोग को समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, आप लोगों को बस जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपका नाम डाल सकते हैं, आपका मेल जेंडर, फीमेल जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेन प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे जो आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे प्लेट आधार कार्ड। आप लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे होता है, जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे होता है आप लोगों का मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे नॉट सक्सेसफुल होता है, ऑथेंटिकेशन फेल होता है कि नहीं? किसी को आज तक किसी को भी नहीं हुआ आज तक यहाँ पे सक्सेसफुल। तो दोस्तों, आप लोगों को किसी ने बताया यहाँ पे लैपटॉप से यहाँ के किसको हैक करके बनाता है, लेकिन हैक करके बनाने के बाद हाँ आप लोगों को सक्सेस हो सकता है, ओटीपी आ सकता है, लेकिन बाद में आप लोगों का जो लॉगिन है, लॉगिन नहीं हो यहाँ पे जाने के बाद, और सक्सेसफुल बना दिया है आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन जो लॉगिन है लॉगिन करने के बाद आप लोगों को लॉगिन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यही सरकार की तरफ से मेरे जानकारी से इस हिसाब से सरकार की तरफ से कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, यही थोड़ा फेक बनाया गया है, तो इस वेबसाइट में लॉगिन ना करें तो ये बेटर है। ठीक है दोस्तों, ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है, कोई लॉगिन नहीं होता है यहाँ पे, तो ये पे लॉगिन नहीं करे तो ही बेटर है। ये पूरा पूरा सब पूरा फेक है। तो हम पहले ये रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये पूरा फेक है। आप लोग यहाँ पे आने से कोई ये मेरा नहीं हो रहा है, मेरे ये होता है, किसी को होता है दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा फेक है, किसी को भी नहीं आज तक नहीं हुआ है। और जी यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है पहले दिखाया था आप लोगों को, पूरा सा फेक है। तो आप लोग यहाँ पे नहीं आए और इसके बारे में टाइम देख के टाइम बर्बाद मत करें, तो आप लोग अपना अपना काम करें, यहाँ सा कोई काम होने वाला नहीं है। तो जो वेबसाइट है ये डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पूरा सब पूरा फेक है, तो आप लोग यहाँ पे आके पूरा टाइम मत बर्बाद ना करें। तो आप लोग मेरे वीडियो किससे लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और नया आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।